पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर में लिख लो ब्रैकेट में नॉन कंडक्टिंग, ये कंडक्टर नहीं हो सकता, तो दिस इज बेसिकली नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। क्यों? क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज हो ही नहीं सकता, ठीक, इट इज नॉन कंडक्टिंग। क्लियर है यहां तक? तो इस केस में नॉन कंडक्टिंग है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो ऐसे केस में डेंसिटी क्या यूज करेंगे? रो। रो तो चार्ज है या क्यू चार्ज है। अगर मैं बोलूं कि यहां पर ई क्या होगा, हमने किया था गॉस थ्योरम में 1/4πε0Q/r2। तो अगर शेल का फॉर्मूला भी ई का सेम है तो वी का फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम होगा। तो वी का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4πε0Q/r। कोई डाउट इसमें? तो ई का फॉर्मूला है तो वी का फॉर्मूला भी है, कोई डाउट इसमें? तो सेम है, यानी कि शेल और सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला ई और वी का एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट है, सरफेस के ऊपर भी ई सेम है शेल वाला तो वी भी सेम है शेल वाला। चलो अच्छा हो गया, शेल और सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला सेम, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, अगर मुझे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर, अब अंदर निकालनी है, तो मान लो ये रेडियस कैपिटल आर है इस पूरे स्फीयर का और आपको डी पॉइंट पर वी निकालना है, क्या होगा? तो डी पॉइंट की दूरी सेंटर से कितनी है? स्मॉल आर है, और बी पॉइंट पर पोटेंशियल हमें पता है 1/4πε0Q/R, ऊपर के फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, सरफेस के ऊपर आपको पता है क्या करना है, याद है? क्लियर है? आपको डी पे निकालना है, प्रूफ में लिख लो, नॉट फॉर एनसीईआरटी ओनली फॉर्मूला करेंगे, लिख लो बड़ा बड़ा नॉट फॉर एनसीईआरटी, कोई नहीं पढ़ेगा इसे। हाँ, मैं दो मिनट के लिए बताऊंगा जरूर कि कैसे आया। अब ई का फॉर्मूला अगर डी पॉइंट पर पूछूं तो गॉस थ्योरम से डी पॉइंट पे ई की वैल्यू क्या होगी? रो आर बाय 3 εr0। क्या पॉइंट? क्लियर है? रो इंटू स्मॉल आर बाय 3 εr0। तो ये क्या आ गया? ये ई इनसाइड आ गया, ठीक है? यहां तक ई इनसाइड की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्या है? अब यहां पे डी और बी के बीच में ई चेंज हो रहा है, तो एक काम करते हैं, ई माइनस डी वी बाई डी आर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें डी और बी दो पॉइंट ले लिए और इमेजिन कर लिया कि मैंने चार्ज को बी से डी पे रखा है, टेस्ट चार्ज को बी से डी पे रखा है, तो बी इज द इनिशियल, डी इज द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर, और फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस कितना है सेंटर से? स्मॉल आर। तो लिमिट देखो, कैपिटल आर से स्मॉल आर, कैपिटल आर पॉइंट सरफेस पे है, सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? वीबी, और स्मॉल आर पॉइंट डी डिस्टेंस पे है तो पोटेंशियल कितना है? वीडी। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं, करना नहीं है आपने, अगर मैं करूं रो की वैल्यू को पुट करूं चार्ज बाय वॉल्यूम, कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला नोट करेंगे। फॉर्मूला है कि अगर पोटेंशियल इनसाइड निकालना है डी पॉइंट पर स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला नहीं आता, ओनली फॉर कॉम्पिटिशन ये फॉर्मूला आएगा, मेन्स और नीट में आता है। तो ये फॉर्मूला याद करेंगे और अभी लिखवाऊंगा मैं, रुको। अगर सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे जाना है तो छोटे आर को क्या पुट करना पड़ेगा यहां पर? जीरो। तो पॉइंट सेंटर पे आ जाएगा, तो सेंटर पे आंसर आएगा 3/2 × 1/4πε0Q/r। तो जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है सॉलिड स्फीयर पे, सेंटर पे पोटेंशियल 3/2 times हो जाता है, बात खत्म। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये वी की वैल्यू आ गई। अगर ग्राफ मार्क करने को आ जाए आपको, तो सॉलिड स्फीयर का ग्राफ, तो इसके इनसाइड ये वी बड़ा सा फॉर्मूला है, तो स्मॉल आर तक ये ग्राफ ऐसा चलेगा और बाहर वी सेम फॉर्मूला फॉलो करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो ग्राफ सीधा मार्क करने को आएगा, बनाने को नहीं आएगा, तो सीधा ये वेरिएशन याद रखेंगे कि कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसमें। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो आपने लिखना क्या है? आपने ये लिखना है कि सॉलिड स्फीयर में स्मॉल आर डिस्टेंस दूर वी का ये फॉर्मूला, सरफेस के ऊपर कैपिटल आर ये फॉर्मूला, इसके इनसाइड ये फॉर्मूला, तीन फॉर्मूलास याद करने हैं। अगर क्वेश्चन में चार्ज की फॉर्म में गिवन है तो ये फॉर्मूले, लेकिन कभी कभी रो की फॉर्म में गिवन होगा तो रो होता, इसमें चार्ज होगा क्या? रो इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3πR³। इस क्यू को यहां पुट करेंगे तो वी आएगा, वी आएगा। ऐसे ही इस क्यू को यहां पुट करेंगे तो वी आएगा, वहां नहीं पुट करना क्योंकि इनसाइड में ऐसा कुछ पुट करते नहीं है। तो या तो ये तीन फॉर्मूले यूज होंगे या ये तीन यूज होंगे, तो आप प्लीज इन फॉर्मूलास को फॉर्मूला बुकलेट में नोट जरूर कर लें, इंपॉर्टेंट है।